चाहे ऑल आर प्रेजेंट। सो हाँ, आज यार हमारे यहाँ सर्दी है। एक्चुअली अजमेर में कुछ ज़्यादा ही सर्दी पड़ती है यहाँ पे, और मैं अभी क्या अजमेर में हूँ इसलिए सर्दी लग रही है। खैर कोई नहीं अजीज, चलो चलते हैं, स्टार्ट करें फटाफट से। सर्दी का तो चलता रहता है, तुम लोग स्टार्ट करो फटाफट से। ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ी थी हम लोगों ने कल, और आज हमें पढ़नी है थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इनका जो रेशो होता है, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशो क्या क्या है, विट्जमान फ्रेंज लॉ होता है, जिसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी मान सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप इसको समझ पाए, देन फिर हम लोग विडमान फ्रेंज लॉ भी पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करो फटाफट। थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है, आपको बताया जाता मैंने पहले थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, कि थर्मल कंडक्टिविटी में क्या होता है, आपका जो सबस्टेंस है उसका एक एक एटम थर्मली वाइब्रेशन लाता है, मतलब एक से, जैसे आपको एग्जांपल भी दिया था एक बार, जैसे घर बनता है तब वो जो मजदूर होते हैं ना, लेबर्स, वो एक दूसरे को ईंट पकड़ाते हैं ना, ऐसा होता है थर्मल कंडक्टिविटी में। तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो आपने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल अभी सर्दियां चल रही है, तो मतलब सर्दियां स्टार्ट हो गई, तो मान लो ये आपका पानी का गर्म बर्तन है या फिर तेल की कढ़ाई है। इस तेल की कढ़ाई में आप लोगों ने चमची डाली, डाली चमची, तो चमची का ये सिरा जो है वो गर्म होता है, फिर भी धीरे 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 आप जहां से इसको पकड़ते हो ना चमची को, यहां से आप पकड़ते हो इसको, तो अपना हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होता है, गर्म हो जाता है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऐसा होता थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ढंग से समझ ली तो थर्मल कंडक्टिविटी का डेरिवेशन लगभग लगभग वैसा ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं थर्मल कंडक्टिविटी में। ठीक है, और सीधी सी बात ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर का फॉर्मूला भी काम में आ सकता है। सो हीट कंडक्शन, पहले इसकी थियोरी ले लेते हैं हम लोग फटाफट से। हीट कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके सॉरी, मैं तो भूल ही गया, मैं आज स्क्रीन शो करना भूल गया, जस्ट वेट, ध्यान से निकल गया और मैं लिखे जा रहा हूं। चलो ठीक है, अब सही है। अब देखो मैंने ऊपर क्या लिखा था, मैंने बस ये एग्जाम्पल दिया था, ये तुम्हारी कढ़ाई है जिसमें तुम्हारा तेल है, ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है, जो अपने आप गर्म हो जाता है। तो ये इस तरह का फिनोमिना होता है कि यहाँ से आपने गर्म किया, धीरे 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 यहाँ पर आ गई आपकी, और ये आपकी डेफिनेशन है, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। दैट इज हीट कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी, फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, टू अ कोल्ड बॉडी, इज इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सपोज अ बार, बार मतलब एक टुकड़ा, एक स्लैब बोल सकते हो आप इसको, सपोज अ बार, बार मतलब स्लैब, कोई भी एक टुकड़ा मान लो आप, किसका टुकड़ा, मेटल का टुकड़ा। ऐसा नहीं है कि तुमने क्या करा, लकड़ी की चम्मच को पकड़ा तो लकड़ी की चम्मच गर्म हो जाएगी आपके कढ़ाई में। आप लोग खाना बनाते हो ना घर में, तो लकड़ी की चम्मच थोड़ी गर्म होती है, मतलब आपका हाथ थोड़ी गर्म होता है लकड़ी की चम्मच से,
क्योंकि जो वुड होता है वो एक तरह से इंसुलेटर है, उसमें कंडक्शन नहीं होता थर्मल। बट अगर आपने अपने स्टील की चम्मच ले ली तो स्टील की चम्मच गर्म हो जाती है आपके यहाँ, तो वो थर्मो मेटल है। हम लोग मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात, थर्मल कंडक्शन किस में होता है? मेटल में होता है। तो ये बार जो आप लोगे ये किसी मेटल का लोगे आप, सपोज अ बार ऑफ अ मटेरियल, ऑफ अ मटेरियल ऑफ एनी लेंथ, ऑफ एनी लेंथ लाइक स्पून, जैसे मान लो आपने चम्मच ही ले ली, स्पून ले लिया, ऑफ एनी लेंथ हुज एंड्स हीटेड, हुज एंड्स हीटेड विद डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर, मान लो अलग अलग टेम्परेचर पर उसको आपने क्या करा, हीट किया, देन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, देन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस बट सर्टेन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स टू कोल्ड साइड, बट सर्टेन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स टू कोल्ड साइड। विद एनर्जी मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ही कोल्ड साइड पे जाएंगे कुछ एनर्जी को लेके। विद एनर्जी सिमिलरली सर्टेन फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली सर्टेन फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर्टेन फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी एनर्जी फ्रॉम, कैरी एनर्जी फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। बट याद रखना जो इलेक्ट्रॉन कोल्ड से हॉट की ओर जाएंगे ना उनके पास एनर्जी नहीं होगी, मतलब कुछ बहुत कम लेस एनर्जी की बात है, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है गर्म करना है तो हॉट से कोल्ड की ओर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? नाउ दीज ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, देखो यही लाइन में लिखाने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन दोनों ओर से जाएंगे बट जो हॉट से कोल्ड की ओर जाएंगे उनके पास ज्यादा एनर्जी है क्योंकि उन्हें गर्म करना है उसे, और जो कोल्ड से हॉट की ओर आएंगे उसके पास में बहुत कम एनर्जी है, तभी तो गर्म नहीं करता, ठंडा करता है वो। सो दीज ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स, दीज ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन लॉ भी लागू होता है, मतलब चार्ज कंजर्वेशन, इसलिए वो अगर आपके हॉट से कोल्ड की ओर जा रहे हैं तो कोल्ड से हॉट की ओर भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सारे कोल्ड की ओर बढ़ जाएंगे। अगर आप हॉट से कोल्ड की ओर भेज रहे हो तो जो कोल्ड की ओर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें भी तो कंजर्वेशन के लिए हॉट की ओर आना पड़ेगा, ठीक है ना? सो दीज ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल बट हॉट एंड्स हैज मोर एनर्जी, हॉट एंड्स हैज मोर एनर्जी, सो दोज इलेक्ट्रॉन्स विच ट्रेवल्स, सो दोज इलेक्ट्रॉन्स विच ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, विच ट्रेवल्स फ्रॉम
हॉट टू कोल्ड एंड आर मोर एनर्जेटिक आर मोर एनर्जेटिक सो नेट एनर्जी ट्रांसफर्स टू कोल्ड साइड नेट एनर्जी ट्रांसफर्स टू कोल्ड साइड रिजल्टिंग हीट इज ट्रांसफर्ड बाय रिजल्टिंग हीट इज ट्रांसफर्ड बाय दोज इलेक्ट्रॉन्स which are near to Fermi level क्योंकि वही तो फ्री होता है जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्री होते ही नहीं है Fermi level से ज्यादा नीचे होते हैं तो जो सॉरी जो नीचे होते हैं वो तो ज्यादा फ्री होते नहीं है मतलब Fermi level के आसपास होते हैं ना वो फ्री होते हैं तो वो ट्रांसफर करते हैं नाउ द वेलोसिटी ऑफ सच इलेक्ट्रॉन्स द अब यहां से स्टार्ट होगा आपका डेरिवेशन द वेलोसिटी ऑफ सच इलेक्ट्रॉन्स इस तरह के इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो यहां से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटेड एस कहां से कैलकुलेट करोगे आप कैलकुलेटेड एस तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है मतलब किन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो फर्मी लेवल के नजदीक है जो फर्मी लेवल के नीचे है इसलिए मैंने वीएफ लिखा हुआ है उनकी काइनेटिक एनर्जी बोल्ट्जमान एनर्जी के बराबर होती है आपको ये बात तो पता है ना कि बोल्ट्जमान एनर्जी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी होती है हाफ के टी बट इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है इसलिए उसके दो ओरिएंटेशन होते हैं इसलिए हाफ के टी प्लस हाफ के टी कितना हो जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी फुल के टी मतलब 1 KT मतलब 1 KBT अब अगर आपको बीएससी का पता हो आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बीएससी में ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमेना नाम से पढ़ा था चैप्टर वे पता नहीं क्या नाम है हिंदी में मुझे नहीं पता पर उसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमेना उस ट्रांसमिशन फिनोमेना टॉपिक के अंदर या उस यूनिट के अंदर यूनिट नंबर शायद 3 थी वो थर्मोडायनेमिक्स की बीएससी सेकंड ईयर तो वहां पर एक चीज पढ़ी होगी कि जो हीट फ्लक्स होता है हीट फ्लक्स का मतलब होता है जेक्यू का मतलब यहाँ लिख लो आप लोग क्या होता है जेक्यू मतलब हीट फ्लक्स मतलब जो आप लोग हीट ट्रांसफर करते हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर ये बीएससी सेकेंड ईयर से आप लोग देख लेना इसका मतलब ये होता है कि हीट फ्लक्स इज जस्ट इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को ग्रेडियंट बोलते हैं कहने का मतलब ये है जैसे मान लो अरे यार ये पोजीशन लिखना है यहाँ पे ये तो हीट लिख दिया मैंने पोजीशन मतलब एक्स मान लो ये रोड है अब इस रोड में आप चेक करना फॉर एग्जांपल जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी आपका टेम्परेचर कम होता रहेगा डिस्टेंस के बढ़ने से फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो रही है आपकी चमची गर्म हो रही है तो यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर रहेगा जैसे जैसे आप यहाँ जाओगे हॉट बॉडी की ओर तो टेम्परेचर में कमी आती जाएगी तो डिस्टेंस के बढ़ने से टेम्परेचर में कमी आती है आप लोग खुद चमची का एग्जांपल लेके देख लेना यहाँ पर चमची गर्म होती है फिर थोड़ी ठंडी फिर ठंडी फिर अपने हाथ तक तो
टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है ना, इसलिए ये वाला फिनोमिना काम करता है। सो दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, नॉट इक्वल टू, दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, और इसको दे लेंगे दो। इसको अगर हम निकालते हैं तो ये वाला आपको बीएससी से ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिना। तो ये जो के होता है ना, इस के को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, इसी को निकालना है बेसिकली, थर्मल कंडक्टिविटी। ये बहुत जरूरी चीज है और यही आपको निकालना होता है। सिंस अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, बीएससी, वापस मैं वही बोलूंगा, बीएससी सेकंड ईयर यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, बीएससी सेकंड ईयर से आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, थर्मोडायनेमिक्स वाली बुक से, थर्मोडायनेमिक्स वाली बुक से आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। और चैप्टर और टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिनन। ठीक है, सो सिंस उसमें बताया, वो भी आता है, क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी वगैरह का भी आता है, दो तीन डेरिवेशन आते हैं वो। सो सिंस वहां से आप देखना इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3, और सी वी, सी मतलब होता है स्पेसिफिक हीट, सी बार मतलब माध्य वेग, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और लैम्डा होता है मीन फ्री पाथ। एक ये फॉर्मूला काम करता है, वहां पे आप चेक करना, मैं यहाँ लिखता हूँ नहीं तो आप भूल जाओगे। सी वी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, सी बार को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कहाँ से निकलती है, आप लोग बीएससी में जब पढ़ोगे ना तो वहां पे आप तीन तरह की वेलोसिटी पढ़ते हो, यहाँ पे रफ में देख लो, वो राम होती है, आर ए एम, पहली होती है रूट मीन स्क्वायर, दूसरी एवरेज, और तीसरी मीन वाली, अंडर रूट के टी अपॉन एम। तो इसमें अंडर रूट 3 आता है, अंडर रूट इसमें आता है 8/π, और इसमें 2 आता है, ऐसा कुछ होता है वो, अंडर रूट पाई के टी अपॉन एम, लाइक दिस। और लैम्डा होता है मीन फ्री पाथ, चाहो तो लिख लो मीन फ्री पाथ, लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ठीक है, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर दो। ठीक है, अब एक चीज समझना, इसमें आपको सारे फॉर्मूले वही मिलेंगे, जैसे सबसे पहले आप बात करोगे मीन फ्री पाथ की, बात करते हैं हम लोग, तो पाथ मतलब होता है डिस्टेंस, सो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद द टाइम। ठीक है, मतलब स्पीड मल्टीप्लाई विद द टाइम। अगर फर्मी लेवल की बात करते हैं तो फर्मी लेवल के लिए मीन फ्री पाथ बराबर कितना हो जाएगा, फर्मी लेवल के लिए अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आप Vx मान लो, या फिर Vf मान लो, और tau f मान लो, फॉर द अप्रोक्सीमेटली फर्मी लेवल। क्वेश्चन नंबर 3, अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें तो हम लोगों ने अभी कल ही निकाला था, मतलब आप लोगों ने पता नहीं निकाला और भूल गए होगे। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ये होता है T/TfNkV, ये तो हम लोगों ने यहाँ भी निकाला हुआ है फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 4। और ये रही बात एवरेज वेलोसिटी की, तो हम लोग मान लेते हैं एवरेज वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, फर्मी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली। इक्वेशन नंबर ये तो 5, अब ये सारी वैल्यू ऊपर रख दो, 2, 3, 4, 5 से वैल्यू 2 में रख दो, 3 से 4 से और 5 से वैल्यू कहाँ रख दो, 2 के अंदर रख दो, तो के निकल जाएगा आपका अल्टीमेटली। ठीक है ना, तो यहाँ से के कितना जाएगा, अल्टीमेटली के निकल जाएगा आपका, सोलो कर लेना इससे पाई स्क्वायर बी एफ से बी एफ काट के, तो पी स्क्वायर अपॉन 3 बचेगा, एक तो पी स्क्वायर अपॉन 3 इसलिए बचेगा क्योंकि यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर पी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर ये वी एफ, अब तुम्हें वी एफ का वैल्यू यहाँ से पुट करना पड़ेगा ना भैया, तुम लोग क्या करोगे, ये वैल्यू पुट करोगे, कहीं ना कहीं आपका वी एफ स्क्वायर बनेगा, वी एफ स्क्वायर बराबर आपको क्या पुट करना पड़ेगा,
टू के बी टी एफ, मतलब टी एफ मतलब टो एफ, टी एफ मतलब टेम्परेचर है, सॉरी टेम्परेचर एफ अपॉन एम। ये चीज पुट करनी पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं, ये 3 4 5 से, तो ये पुट करोगे ना आप लोग। क्यों पुट करोगे? क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन नंबर एक का यूज किया है, यूजिंग वन, हम लोगों ने एक में यूज किया है ना ये चीज। देख लो इक्वेशन नंबर वन से आपको वी एफ स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं वी एफ स्क्वायर बनेगा आपका, क्योंकि यहाँ भी वी एफ है और यहाँ भी वी एफ है, तो वी एफ स्क्वायर बनेगा। फिर इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली काट पीटने के बाद में ये बनेगा टी एन, ये रहा एन ये रहा, और टी कौन सा बचेगा, ये टी ए वाला बचेगा, और के बी स्क्वायर है। के बी स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ भी के बी और यहाँ भी के बी है, तो के बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे की तरफ एम बचेगा, क्योंकि ये एम है यहाँ पे, और लास्ट बचेगा टाइम टो एफ, और कुछ भी नहीं बचेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द थर्मल कंडक्शन जो आप लोग बीएससी में निकालते हो, ठीक है? ये तो बीएससी वाला डेरिवेशन है, ये सब कुछ बीएससी सेकेंड ईयर में आता है, ठीक है? बट यही चीज आपको एमएससी लेवल से भी निकालनी है। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में काम किया था ना, पहले बीएससी लेवल का निकाला फिर एमएससी लेवल निकाला, ठीक वैसे ही आपको अब एमएससी लेवल पे आना पड़ेगा, और एमएससी लेवल में भी सेम वही काम करना है, बोल्ट्जमान इक्वेशन को काम में लेके चलना है, नए सिरे से आपको स्टार्ट करना है और बोल्ट्जमान इक्वेशन को काम में लेके चलना है। तो नाउ अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ से इसको हटा दो क्योंकि ये बीएससी लेवल का काम था। नाउ अब एमएससी लेवल डेरिवेशन, नाउ यूजिंग बोल्ट्जमान इक्वेशन। बोल्ट्जमान इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले यूज में ली थी कंडक्टिविटी के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्मी फंक्शन इज जस्ट इक्वल टू माइनस वी एक्स डेल्टा आर फर्मी फंक्शन प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स देन डेल्टा पी एफ माइनस एफ माइनस एफ नॉट अपॉन टू। इस इक्वेशन के सारे पैरामीटर मैं समझा चुका हूं पहले, इसलिए हम इसको नहीं समझेंगे, और साथ में इन स्टडी स्टेट ये भी हम लोगों ने पूरी लाइन लिख ली पहले, तो इसको भी डिटेल में मत लिखो। इन स्टडी स्टेट हमने बात करी ली स्टडी स्टेट की, डेल एफ अपॉन डेल टी बराबर क्या होता है, 0 होता है, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं अल्टीमेटली। इक्वेशन नंबर 2, ये भी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होता है, माइनस का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है? सारी कुछ वैल्यू 2 और 3 से वैल्यू एक में पुट कर दो, 2 से और 3 से वैल्यू आप लोग एक में पुट कर सकते हो। और एक चीज और है, अगर तुम्हें कुछ छूट जाता है ना भी जल्दी जल्दी में, या फिर मान लो तुम्हारा ध्यान ना हो पढ़ने में, तो तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने क्या लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो यूट्यूब के ऊपर मैं आपको डाल रखे हैं वो, तो आप चाहो तो यूट्यूब पे एक चैनल है मेरा एजे फिजिक्स, तो वहां पर जाके आप लोग इन वीडियोस को देख सकते हो। मान लो किसी क्लास मिस हो जाए या फिर कोई बंदा लेट ज्वाइन कर रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली वहां से भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो ये वाले, और ये क्लास को दोबारा देख सकते हो, ठीक है? ताकि कोई चीज डबल ना पढ़ानी पड़े मुझे, इसलिए मैंने इनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। और इस पर आप चाहो तो CSIR नेट की भी कर सकते हो प्रिपरेशन, बट अभी मैंने क्या टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं नेट के वीडियो डाल नहीं रहा, केवल क्लासिकल मैकेनिक्स के डाले थे, वो भी इसलिए था कि लॉकडाउन था तो टाइम था मेरे पास पढ़ाने का। तो आप नेट के लिए भी क्लासिकल वहां से पढ़ सकते हो, एमएससी लेवल क्लासिकल तो पढ़ा रखी है मैंने, बीएससी लेवल बाकी है बस, ठीक है? चलिए 2 और 3 से अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हो तो कितना बचेगा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू माइनस वी एक्स एंड डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स प्लस ई और डेल एफ अपॉन डेल्टा पी एक्स, क्योंकि पी के रेस्पेक्ट में है, माइनस एफ नॉट अपॉन टो। ओके सो नाउ एफ माइनस एफ नॉट अपॉन टो इज जस्ट इक्वल टू द माइनस वी एक्स एंड डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर की बात आ रही है तो टेम्परेचर डिपेंडेंस निकालनी पड़ेगी आपको,
हीट कंडक्शन तो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा, इसलिए मुझे टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस ई। बट फर्मी जो फंक्शन है वो एनर्जी पर भी डिपेंडेंट है, तो एनर्जी वाला काम भी यहाँ पे करना पड़ेगा हमें, तो एनर्जी के ऊपर भी बात आ रही है। इक्वेशन नंबर 4। अब बारी बारी सोल्व करते हैं इस चीज को। सोल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए फर्मी फंक्शन क्या होता है। सो फर्मी फंक्शन इज नथिंग बट इट इज 1/1 + एक्सपोनेंशियल E-EF/kVT। चार्जर लगाना पड़ेगा, जस्ट वेट। डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप। ठीक है, सो E-EF/kVT लाइक दिस। अब यहाँ पे समस्या कुछ नहीं है, बस आपको डेल एफ अपॉन डेल टी निकालना है। तो आपको फर्मी फंक्शन को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। सो जस्ट डिफरेंशिएट द फर्मी फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो आप जानते हो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x2। यही तो होता है ना, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x2। मतलब जो नीचे वाली क्वांटिटी है उसको पूरा डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी में ही क्या है, टेम्परेचर है, इसलिए मुझे उसको ऐसे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, नीचे वाली क्वांटिटी का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो 1+ एक्सपोनेंशियल समथिंग का अगर आप करोगे डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा, 0+ समथिंग। कितना हो जाएगा, 0+ समथिंग, मतलब जो भी आपका एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का तो वही का वही होता है। सो E-EF/kVT। अब दूसरी बात देखो, एक्सपोनेंशियल के अंदर जो है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या है, E-EF/kVT है, तो करोगे तो -E-EF तो कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में किया हुआ है, और के भी टी का हो जाएगा T2। ये हो गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, और बाकी सब वही का वही है। तो इक्वेशन नंबर 5 नंबर दे इसको नाम। नाउ अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, डेल एफ अपॉन डेल ई की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आपको जो है एनर्जी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बस एनर्जी आ रही है इसके अंदर, तो आप ये भी कर सकते हो, फर्मी फंक्शन को एनर्जी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। सो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ई करोगे तो वही का वही फंडा है, माइनस आ गया जाएगा 1/ नीचे वाले ब्रैकेट का स्क्वायर। अब पता नहीं आपको डिफरेंशिएट करना आता है नहीं आता, बट ये तो बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, क्योंकि एनर्जी फैक्टर नीचे आ रहा है ना, इसलिए। तो एनर्जी फैक्टर नीचे आ रहा है इसलिए वो हो गया, और 0+ इसका भी हो जाएगा एक्सपोनेंशियल E-EF/kVT। अब एनर्जी के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका तो हो जाएगा 0 सॉरी 1। सो ये हो जाएगा 1-0/ नीचे वाला फैक्टर, ऐसा कैसे, ये हो गया एनर्जी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास, सीधी सी बात ये है। इक्वेशन नंबर इसको दे दो आप लोग 6 नंबर नाम दे दो। ठीक है, अगर मैं 6 और 5 को मिक्स कर दूं, एक बात बताओ 6 और 5 में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है। डिफरेंस इतना सा दिख रहा है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 से एक्सपोनेंशियल ये वाला फैक्टर जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, देखना अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, इस वाले फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला फैक्टर है। देखो इधर ये वाला फैक्टर की वैल्यू मैं निकालू इक्वेशन नंबर 6 से और 5 में पुट कर दू मान लो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी एडजस्ट इक्वल टू माइनस, इस वाले फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, के बी टी, क्योंकि इधर चला जाएगा, उठ के इधर चला जाएगा। सो के बी टी मल्टीप्लाई में तो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ई
और ऊपर क्या बचेगा, ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर यही तो फैक्टर बच रहा है इसके अलावा। तो इतना सा काम करना है कि इस वाले फैक्टर की जगह आपको पुट करना है नीचे से वैल्यू, तो अल्टीमेटली के बी से के बी कैंसिल हो जाएगा और टी से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, फिर बचेगा माइनस का ई माइनस ई एफ अपॉन टी एंड डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ई, क्वेश्चन नंबर 7। इज इट डेल एफ अपॉन डेल टी बराबर क्या हो गया मेरे पास, माइनस ई एफ अपॉन टी डेल एफ अपॉन डेल टी हो गया। ये सब डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है। अब मैं इस इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 में रख दूं, कौन सी इक्वेशन नंबर 4 जो ऊपर आपको दिख रही है, ठीक है, तो इधर आ जाओ। देखो इक्वेशन नंबर 7 से वैल्यू को 4, देखो इधर 4 कौन सी है, 4 ये वाली है जहां पर डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी आ रहा है। तो इस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू को पुट करना है बस मुझे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है बस। हाँ एक चीज याद रखना, डेल ई अपॉन डेल पी निकाल सकते हो आप, साइड में देख लो मैं निकाल दे रहा। ई बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, जब आप जैसे ही डेल ई अपॉन डेल पी निकालोगे, ये अपन ने कल भी निकाला था इसलिए मैं निकलवा नहीं रहा आपको, तो 2p अपॉन m, 2m, p बराबर m भी होता है तो ये vx हो जाएगा। तो आप इसकी जगह सीधा vx पुट कर सकते हो, ये हम लोगों ने कल भी निकाला था, ये एज इट इज रखना है और इसकी वैल्यू पुट करनी है। चलो आ जाओ करते हैं, ठीक है, तो नीचे आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ नोड अपॉन टाउ इट जस्ट इक्वल टू प्लस वी एक्स ई माइनस ई एफ अपॉन टी। और अगर तुम में से कोई सी एस आई आर नेट का एग्जाम दे रहा हो तो आप लोग अनअकैडमी के ऊपर मैंने एक फ्री लेक्चर सीरीज डालूंगा, मतलब 1 तारीख से 15 के बीच में, जहां पे सी एस आई आर नेट में इस बार जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताऊंगा मैं, कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आने की संभावना है और किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्योंकि एमएससी की तरह मैं ये तो नहीं बता सकता कि क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं बट न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज आती है, तरीके वही के वही रहते हैं और कुछ नहीं है। तो आप तरीके समझ सकते हो वहां पे कि किस तरीके का क्वेश्चन आप ले सकते हो, ठीक है। नाउ अब आप क्या करोगे, कुछ चीजें कॉमन ले सकते हो, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ई, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ई, तो जो कॉमन आ रहा है वी एक्स है, वी एक्स है जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो और इस टॉ को इधर भेज दो आप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एफ माइनस एफ नॉट इट जस्ट इक्वल टू टाउ, टाउ भेज दिया, वी एक्स कॉमन आ रहा है, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ई ये भी कॉमन आ रहा है, अब बचा कितना, अब बचेगा ई माइनस ई एफ अपॉन, यहाँ तो टी ए बचेगा और डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स ये बचेगा प्लस ई ई, इक्वेशन नंबर 8। चलिए अब अगर आपको थोड़ा बहुत कल का याद हो तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था करंट डेंसिटी का, करंट डेंसिटी बराबर क्या था, माइनस का एन ई वी एक्स लिखवाया था, लिखवाया था याद कर लेना। और इसको जब हमने सोल्व किया था तो अपन ने ये लिखा था सोल्व करके, 2e अपॉन एच क्यूब फ्रॉम टुमारो, ये हम लोगों ने सोल्व किया था वी एक्स और एफ पी बार माइनस एफ नॉट पी बार एंड डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड, ठीक है ना। एफ माइनस एफ नॉट की वैल्यू हम लोगों ने देखी थी कल भी और आज भी, ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली हीट ट्रांसफर फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग लिखोगे, सिमिलरली इस फॉर्मूले के जैसा ही आपको ये याद रखना है,
हीट ट्रांसफर फ्लक्स, हीट ट्रांसफर फ्लक्स ये होता है हमारे पास बेसिकली Q इज जस्ट इक्वल टू द एन ई वी एक्स, इट इक्वल टू द टू अपॉन एच क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ ई. अब देखो चेंजेस क्या है, कैपिटल ई हो गया स्मॉल ई की जगह और नेगेटिव जगह पॉजिटिव हो गया, और तो कोई चेंज नहीं है. तो कैपिटल ई अंदर रहेगा क्योंकि एनर्जी है, स्मॉल ई बाहर रहेगा था क्योंकि वो चार्ज है, इसलिए मैंने अंदर इस स्मॉल ई को कैपिटल ई से रिप्लेस कर दिया और उसको अंदर ले लिया, खत्म काम. बाकी तो वही का वही है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ नॉट है, सिमिलरली है, तो वो जाएगा डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड, ये होता है फॉर्मूला. अब आप है ना यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, ये जो एफ माइनस ये आपने निकाला ना, इसको यहाँ पुट कर दो, एफ माइनस एफ नोट का वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट कर दो, और वही चीज है डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड. ये हम लोगों ने कल भी सॉल्व किया था, फोर पाई पी स्क्वायर डी पी, यही तो होता है जो कल हमने सॉल्व किया था इस चीज को, वो क्या होता है फोर पाई पी स्क्वायर डी पी. तो ये चीज पुट कर दो और इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे. सो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एक बार इसमें भी पुट करो आप, एक काम करो ये भी काम आएगी अपने, रुको एक बार, ये दोनों इक्वेशन काम आएगी. इक्वेशन नंबर 9 इसको दो, इसको 10 दो. तो पहले 8 की वैल्यू 9 में पुट करके देखो आप, क्योंकि ये 9 भी काम आएगी आपके पास में. सो बाय पुटिंग द वैल्यू 8 to 9 ठीक है, तो 9 में पुट करोगे तो हमारे पास आपको जे निकल जाएगा, तो जे बराबर कितना हो जाएगा, सो जे एक्स इज जस्ट इक्वल टू माइनस 2e अपॉन क्यूब एच क्यूब, और ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा, इसको अपन ने ट्रिपल की जगह 1 में कन्वर्ट किया था ना कल, केवल इसको पी स्क्वायर लिखा था, तो इसको 0 से इन्फाइनाइट कर दो, और ये हो जाएगा वी एक्स. बाकी सारी वैल्यूज टाउ वी एक्स डेल एफ अपॉन डेल्टा ई ई माइनस ई एफ अपॉन टी डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस ई ई लाइक दिस, ठीक है. और यहाँ पर अपन क्या हो जाएगा, फोर पाई पी स्क्वायर डी पी लिख सकते हैं, बस जस्ट वैल्यू पुट करिए, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना. अब इसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें ये वी एक्स और वी एक्स मिलकर हो गया वी एक्स स्क्वायर, और इस वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को आप लोग पुट कर सकते हो. कैसे पुट करोगे, कहाँ से पुट करोगे, मोमेंटम की फॉर्म में पुट कर दो. तो वी एक्स स्क्वायर कल भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3m² होता है, कल हम लोगों ने देखा था ना वी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो ये फ्रॉम यस्टरडे. तो वी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, क्योंकि थ्री डायमेंशन में क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर होता है. फिर हम लोगों ने क्या कहा था, आप लोग भूल गए होंगे, देखो इधर वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर. मैंने कहा था कि सिमेट्रिक के लिए तीनों अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है. फिर वी बराबर क्या हो जाएगा, थ्री वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. फिर मैंने क्या कहा था कि वी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू एम सॉरी 3m. मोमेंटम बराबर होता है एम वी, तो मोमेंटम का स्क्वायर भी ये होता है. सो अल्टीमेटली अपन ने क्या करा था, इसको लिखा था एम स्क्वायर और वी एक्स स्क्वायर थ्री एम सॉरी थ्री
इसको थ्री, इसको इधर ले गए थे ना, ये हो गया था वी स्क्वायर अपॉन थ्री, ये हो जाएगा थ्री वी स्क्वायर, तो यहां से निकल जाता है बस। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो आप लोग। ठीक है, जैसे आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारे पास जे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू ई अपॉन एच क्यूब, माइनस टू ई अपॉन एच क्यूब, और ये टो बाहर निकाल लो, टो का तो कोई काम है ही नहीं, और ये हो जाएगा जीरो से इन्फानेट और पी स्क्वायर अपॉन थ्री एम स्क्वायर, देन डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ई, देन ई माइनस ई एफ अपॉन टी, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस ई एक्स 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। ठीक है, इसके बाद में जब जे एक्स की बात करेंगे तो जे एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 ई पाई टो अपॉन ये पाई, 4 पाई बाहर निकाल लो तो ये बाहर निकालते क्या हो जाएगा, 3 h³, और ये हो जाएगा m की पावर 2। तो ये सब बाहर निकाल लो कांस्टेंट जो भी है, केवल एनर्जी और मोमेंटम अंदर रहेंगे क्योंकि एनर्जी मोमेंटम ही वेरिएबल है। तो ये हो जाएगा p की पावर 4 डेल्टा f अपॉन डेल्टा e एंड e माइनस e f अपॉन t, e माइनस e f अपॉन t एंड डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, लाइक प्लस ई एंड डी पी। ठीक है, अब इस चीज को हम लोगों ने कल सोल्व किया था, इस चीज को हम लोगों ने कल भी सोल्व किया था, और सोल्व करते ही मैंने आपसे कहा था कल कि पी फोर डी पी की वैल्यू क्या होती है, पता है आपको, कल हमने सोल्व किया था इसको, तो 2√2 और एम की पावर 5/2 फ्रॉम यस्टरडे, ई टू दी पावर 3/2, इसलिए मैंने कहा था रिवाइज करके आया करो, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो मोमेंटम को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया कल वाली थ्योरी से, ठीक है ना, कल भी हम लोगों ने ये सेम काम किया था। और जैसे आपने ये काम किया तो यहाँ पे जे एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -16√2, -16√2 ई पाई टाउ एम टू दी पावर 5/2, एम टू दी पावर 5/2 अपॉन 3 h³ एम स्क्वायर, 3 h³ एम स्क्वायर 0 to infinite एंड ई टू दी पावर 3/2 डेल एफ अपॉन डेल ई, और ई माई, अब वो अपन ने क्या करा था, एफ को एफ नोट के इक्वल बना था कल भी, अप्रोक्सीमेटली मान के क्या बोला था, डेल एफ अपॉन डेल ई इज अप्रोक्सीमेटली डेल एफ अपॉन डेल एफ नोट अपॉन डेल ई। सो ई माइनस ई एफ अपॉन टी एंड डेल टी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस ई ई और डी ई, ये हो गया। अब इसके बाद में थोड़ा सा और इसको हम लोग कर लेते हैं मॉडिफाइड, मॉडिफाइड इन द सेंस ये है कि अगर मैं एम की पावर को एडजस्ट करता हूं, मान लो, ठीक है, तो अगर एम की पावर को एडजस्ट कर देते हैं हम लोग, लाइक यहां पर कितना बच रहा है, ई बच रहा है ना, तो नीचे आओ एक बार, -16√2 पाई तो वही का वही है, पाई में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ई में कोई दिक्कत नहीं है, ई को भी ऐसा कैसा रहने दो। ठीक है, यहां पर एम की पावर 5/2 है और नीचे एम की पावर -2, एक बार 5/2 में से 2 गए तो कितना बचा, 5/2 में से 2 गए तो कितना बचा, 2 4 1/2,
तो एम की पावर 1/2, तो ये अंडर रूट एम यहाँ पर आ जाएगा 1/2 के साथ, मतलब अंडर रूट एम आ जाएगा। ये पाई बच रहा है अपॉन, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3h³। इस टो को अंदर ले लो, एक टो बच रहा है ना, टो को अंदर ले लो ई की पावर 3/2 के साथ। अब ये सिंपली तरीके सोल्व होगा नहीं, इसको कुछ मानना पड़ेगा अपने को। सो ई माइनस ई एफ अपॉन टो एंड डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस ई एंड डी ई। एक काम करो, ये जो चीज है ना, इस चीज को एक ले लो अलग, और एक ये वाली चीज है, इनको हम कुछ मानेंगे एक फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, सो नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस, नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस अ सेट ऑफ इंटीजर्स, अ सेट ऑफ इंटीजर्स करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। देखो बड़ा सिंपल सा है, अगर मैं इसको जे एन इस तरह से मान लू, लाइक 16 पाई अंडर रूट 2 m, ये सब तो कांस्टेंट है, अपॉन 3h³ 0 to infinite tau e to the power n plus half डेल्टा एफ नॉट अपॉन डेल्टा ई डी ई। तो या एक बात बताओ, यहां पर लिखा हुआ है 3/2, 3/2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो 3/2 का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई है ना। 3/2 का मतलब n की वैल्यू 1 हो गई। अब एक और चीज करो, अगर मैं इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करता हूं ई से, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, ई अपॉन टी माइनस ई अपॉन टी, दो चीजें ना इसमें, एक तो ई अपॉन टी है और एक ई अपॉन टी है। तो एक काम करें, अगर ई अपॉन टी को ई अपॉन टी से मल्टीप्लाई इससे करेंगे मल्टीप्लाई, ई टू द पावर 5 आ जाएगा। ई टू द पावर 5 का मतलब क्या हो गया, यहां पर एन का वैल्यू 2 होना चाहिए ई टू द पावर 5। अगर ये एन का वैल्यू 2 हो जाएगा तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, इसे जे टू बोल देंगे हम लोग, जे टू। सो नाउ अगर मैं इक्वेशन नंबर इसको 11 नाम दे दूं और इसको 12 नाम दे दूं, सो 12 से अगर वैल्यू 11 में रखोगे और इसको यूज करोगे, तो देखो इसके अंदर तो ये तो जे एक्स है, ठीक है, तो यहां पर तो एक दो जे एक्स, इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, तो यहां तो नेगेटिव साइन है ना, तो यहां नेगेटिव साइन लगा दो। ये सब फैक्टर में केवल ई रहने दो, बाकी सब जो फैक्टर है उसको मैंने क्या बोल दिया, जे टू बोल दिया। जे टू इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 रखने पर ई की पावर 5/2 बन जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर 3/2, और ई की पावर 1 कितना जाएगा, ई की पावर 5/2। तो जे टू अपॉन टी अल्टीमेटली माइनस, यहाँ पर देखो ई एफ नोड है, तो ई एफ नोड की तो कोई दिक्कत नहीं है, ई एफ को तो ई एफ लिख दो, और इसका ई की पावर 3/2 का मतलब कितना हो गया, J1 हो गया अपॉन टी, खत्म काम। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डेल्टी अपॉन डेल्टी एक्स है, माइनस का ई स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा, J1 होगा। ये कौन सा वाला फैक्टर लिखा मैंने, मैंने ये लिखा है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे, तो ई की पावर कितना बच जाएगा मेरे पास, हाँ इस वाले, ये तो एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखना अलग अलग है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एनर्जी है, तो एनर्जी का तो 5/2 पावर हो गया, बट इस ई का इस ई से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में हम लोग मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। और जे वन इसलिए लिखा मैंने क्योंकि अल्टीमेटली ये ई की पावर 3/2 ही तो है, तो 3/2 का मतलब कितना हो गया, J1, लाइक दिस। तो ये वाली बात पड़ जाएगी, ठीक है। एंड एट लास्ट दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 13, इक्वेशन नंबर 13। अब सिमिलरली काम करना है आपको किसके लिए,
सिमिलरली काम करना है, सेम यही काम अपन दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है इस वाले काम और इस वाले काम में, केवल एक डिफरेंस है, अगर मैं इस क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूँ, ये तो मैंने क्या करा, जे एक्स कैलकुलेट किया, मुझे क्यू कैलकुलेट करना है, तो मुझे 8 नंबर से वैल्यू 10 नंबर में पुट करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू कहाँ पुट करनी पड़ेगी, मुझे 10 नंबर में पुट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और 10 नंबर में और 9 नंबर में केवल एक डिफरेंस है कि कैपिटल ई आ रहा है स्मॉल ई की जगह, और तो कोई डिफरेंस नहीं नेगेटिव साइन के साथ में। तो अगर मैं 8 वैल्यू से 10 में वैल्यू पुट करूं एंड सोल्व करूं और स्मॉल ई की जगह कैपिटल ई रख दूं, तो ये जो आपका इक्वेशन है उसमें केवल हर जगह यहाँ पे ई की पावर कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर ई की पावर 5/2 हो जाएगा और स्मॉल ई गायब हो जाएगा। 5/2 होने से हर जगह ई की पावर एक बढ़ जाएगी, ई की पावर बढ़ने से यहाँ पर जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा स्मॉल ई तो गायब हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, J3 की जगह J2 की जगह J3 हो जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस इसमें कोई डिफरेंस नहीं है EF में, यहाँ पर J2 हो जाएगा बिकॉज आपने कैपिटल ई बढ़ा दिया, कैपिटल ई बढ़ने से ये आपका एन एक पावर के साथ बढ़ जाएगा इसलिए J2 हो गया। तो J2 सिमिलरली करा है मैंने, सिमिलरली पूरा सोल्व नहीं करना आपको, ठीक है, और ये तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पर एक ई गायब कर ही दिया आपने नेगेटिव साइन के साथ, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और एक ई गायब कर दिया, उस एक ई की जगह आपने एनर्जी रख दी, एनर्जी मतलब यहाँ पर एक जे बढ़ जाएगा और ये एक्स कर दिया। सिमिलरली काम कर सकते हो आप, इक्वेशन नंबर 14, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अब तो खत्म हो गया डेरिवेशन। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स ये भी मैंने लिखी दिया, तो ये जानते हो थर्मल कंडक्टिविटी ऊपर अपन ने की लिखा था ना, बस लास्ट डेरिवेशन लास्ट लास्ट बच रहा है बस। थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर ऊपर वाले फॉर्मूले से फ्लक्स अपॉन नेगेटिव ग्रेडियंट, ये ऊपर लिखा था हम लोगों ने, जब JX = 0 हो, तो इक्वेशन नंबर इसको तो 15 नाम। नाउ अब JX = 0 आपको लेना है, सो चूंकि JX = 0 ये लेके चलोगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 13, 13 में देखो JX है, ये रहा 13 में JX, सो फ्रॉम इक्वेशन 13 यहां से आप लोग पुट करोगे JX = 0 तो कितना बचेगा, सो फ्रॉम 13 नंबर इक्वेशन, सो वी हैव जस्ट E²J₁ EX इट जस्ट इक्वल टू माइनस का E और J₂/T माइनस EF J₁/T ∂T∂x, इस E से E कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा केवल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एक्स डायरेक्शन में, तो हो जाएगा -1/E बचेगा, और यहां कितना बच जाएगा, J₂/J₁T माइनस EF/T एंड ∂T∂x, ठीक है। इक्वेशन नंबर 16, ये 16 से वैल्यू आप लोग कहाँ पुट कर दोगे, 14 में, यहाँ पुट कर दो 14 में, यहाँ पर ये है ना EX, तो यहाँ पर EX की वैल्यू पुट कर दो 14 में, ठीक है। तो जैसे आप 16 से 14 में वैल्यू पुट करोगे ना, 16 से 14 में वैल्यू पुट करने पर आपको ये चीज मिलेगी, दैट इज Q = J₃/T माइनस EF J₂/T ∂T∂x माइनस J₂²J₁T माइनस EF₀J₂/T एंड ∂T∂x। सोल्व करो इस चीज को और Q/ ये निकाल लो ∂T∂x, क्योंकि यहाँ भी ये आ रहा है यहाँ भी ये आ रहा है, तो सोल्व कर लेना। तो यही हमारे पास क्या होता है, J₃/T माइनस J₂²/J₁T, ये सब सोल्व करने के बाद में ये मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17, अभी 17 से वैल्यू आप लोग कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दो 15 के अंदर, जब K की वैल्यू लिखी हुई है,
सो 17 से वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, के का वैल्यू लिखा हुआ है जहाँ पे, वापस देख लो, ये रहा 15 में ना, तो 15 में पुट कर दो आप लोग, 15 में पुट कर दे के मिल जाएगा आपको, के इज इक्वल टू माइनस J1 J2, एलसीएम ले लिया मैंने, J1 J3 माइनस J2 स्क्वायर, ये एलसीएम ले लो आप J1T का, और ये J1T खत्म काम। अब ये J1 की वैल्यू अलग है, J3 की अलग है, सब कुछ अलग अलग वैल्यू है, तो इनको आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे। नाउ फर्दर इवेल्यूएटिंग वैल्यू, फर्दर आप बस सीधा लिख दो, फर्दर सॉल्विंग, ऐसे लिख दो फर्दर सॉल्विंग। आप जब सोल्व करोगे ना इसको, J1 J2 J3 की वैल्यू पुट करके, जो लंबी लंबी इंटीग्रेशन की वैल्यू है, तो आप बस सीधा लिख दो फर्दर सॉल्विंग सिग्मा टी थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर इसको के बोलते हैं, या आपको मिलेगा पाई स्क्वायर, या आपको याद करके जाना है ताकि सीधा लिख पाओ, टी मल्टीप्लाई विद द एन मल्टीप्लाई विद द KB स्क्वायर एंड फर्मी टेम्परेचर अपॉन एम, बस खत्म काम। क्योंकि J1 J2 J3 की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, इनको सोल्व करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए आप लोग थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हो इस सीधे फॉर्मूले से, ठीक है। और ऐसे आपको निकालनी है इतना सोल्व करने के बाद में, अगर आती है तो ठीक है ना।